नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप कूचबिहार राजबाड़ी के इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम हैं ना दोस्तों आपको जानकारी देने के लिए। कूचबिहार राजबाड़ी के इतिहास जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। और आपको पहले से ही पता है तो कमेंट पर अपना जानकारी शेयर करना न भूले। आज हम आपको कूचबिहार राजबाड़ी के मनोरम इतिहास की वर्चुअल यात्रा पर ले जा रहे हैं। कूचबिहार राजबाड़ी भारत के पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित एक शाही महल है। महल 18वीं शताब्दी में बनाया गया था और कूचबिहार शाही परिवार का निवास स्थान था। महल अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, जटिल नक्काशी और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम कूचबिहार राजबाड़ी के आकर्षक इतिहास की पूरी विस्तार से खोज करेंगे। इसकी स्थापना से लेकर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी वर्तमान स्थिति तक। कूचबिहार राजबाड़ी की स्थापना। कूचबिहार राजबाड़ी का इतिहास 16वीं शताब्दी का है, जब कोच राजवंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। कोच वंश अपनी समृद्ध संस्कृति, कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में महाराजा नृपेंद्र नारायण के शासनकाल के दौरान महल का निर्माण किया गया था। महल ब्रिटिश वास्तुकार विलियम एमसन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह इंडो सरेसेनिक स्थापत्य शैली से प्रेरित था। महल का निर्माण बेहतरीन सामग्री का उपयोग करके किया गया था, जिसमें इटालियन मार्बल और बर्मी टी कवुड शामिल हैं। अब बात करते हैं कूचबिहार राजबाड़ी की स्वर्ण युग के बारे में। कूचबिहार राजबाड़ी के स्वर्ण युग के दौरान महल सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र था। महाराजा नृपेंद्र नारायण कला के संरक्षक थे और उन्होंने संगीत, नृत्य और साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। महल उस समय के कुछ बेहतरीन कलाकारों, कवियों और संगीतकारों का घर था। महल अपने भव्य समारोहों और त्योहारों के लिए भी जाना जाता था। अब बात करते हैं कूचबिहार राजबाड़ी और भारतीय स्वतंत्रता के बारे में। कूचबिहार राजबाड़ी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के साथ मिलकर काम किया। महल का उपयोग कांग्रेस के लिए एक सभा स्थल के रूप में किया जाता था और यह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। ये महल 1949 में भारत और भूटान के बीच ऐतिहासिक कूचबिहार संधि पर हस्ताक्षर का गवाह भी बना। कूचबिहार राजबाड़ी का पतन और जीर्णोद्धार। स्वतंत्रता के बाद महल ने अपना शाही दर्जा खो दिया और कई वर्षों के लिए इसे छोड़ दिया गया। महल अस्त व्यस्त हो गया और इसके कई खजाने खो गए। 1990 के दशक में महल को एक विरासत स्थल घोषित किया गया था और इसके पूर्व गौरव को बहाल करने के प्रयास किए गए थे। जीर्णोद्धार का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया था और आज महल एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण केंद्र है। वीडियो के इस भाग में हम आपको कूचबिहार राजबाड़ी के वर्चुअल टूर पर ले चलेंगे। हम दरबार हॉल, शाही कक्षों, मंदिर और संग्रहालय सहित महल के विभिन्न हिस्सों का पता लगाएंगे। हम महल के विभिन्न स्थापत्य तत्वों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें जटिल नक्काशी, रंगीन भित्तिचित्र और सुंदर झूमर शामिल हैं। नंबर 1, दरबार हॉल। दरबार हॉल महल का सबसे भव्य और प्रभावशाली हिस्सा है। इसका उपयोग महाराजाओं के शासनकाल के दौरान आधिकारिक स्वागत और समारोहों के लिए किया जाता था। हॉल को अति सुंदर कांच के झूमर, जटिल नक्काशी और रंगीन भित्तिचित्रों से सजाया गया है। दरबार हॉल की दीवारों को रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित करने वाले चित्रों से सजाया गया है। नंबर 2, सागर दीघी। कूचबिहार राजबाड़ी के भव्य दरबारों में से एक है सागर दीघी। ये सागर दीघी बहुत पुराना है और इसमें जल की गहरी काफी है। ये सागर कूचबिहार के राजाओं के लिए एक प्रमुख स्थल था। इसके अलावा यहाँ का नंद कुमार गेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये द्वार बहुत ही सुंदर है और यहाँ के पर्यटक इसके दर्शन करते हैं। नंबर 3, द रॉयल चैम्बर्स। रॉयल चैम्बर्स महाराजाओं और उनके परिवारों के निजी क्वार्टर थे। कक्षों को जटिल नक्काशी, रंगीन भित्तिचित्रों और सुंदर फर्नीचर से सजाया गया है। कमरे विशाल और हवादार हैं, जिनमें बड़ी खिड़कियां हैं जो पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश की बाढ़ की अनुमति देती हैं। रॉयल चैम्बर्स में चांदी के बर्तन, फर्नीचर और कलाकृति सहित शाही कलाकृतियों का संग्रह भी है। नंबर 4, मंदिर। महल में राधा कृष्ण को समर्पित एक मंदिर भी है।
मंदिर महल के भीतरी प्रांगण में स्थित है और भक्तों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। मंदिर को भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्यों को दर्शाती सुंदर नक्काशी और चित्रों से सजाया गया है। नंबर 5, संग्रहालय। महल में एक संग्रहालय भी है जो क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय में दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों, मूर्तियों और कलाकृतियों का संग्रह है, जो कूचबिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक झलक प्रदान करते हैं। संग्रहालय में कूचबिहार के शाही परिवार और क्षेत्र में उनके योगदान को समर्पित एक खंड भी है। कूचबिहार राजबाड़ी इतिहास और संस्कृति का खजाना है। महल कोच वंश और कूचबिहार के महाराजाओं की भव्यता और ऐश्वर्य का एक वसीयतनामा है। महल ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महल भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। हम आशा करते हैं कि आपको कूचबिहार राजबाड़ी का ये जानकारी आनंददायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपके मन पसंदीदा जगह के बारे में जानना है तो कमेंट पर जरूर बताएं, हम जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, देखने के लिए दिल से शुक्रिया।